हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोर। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके, एम्प्लॉय एप डेवलपमेंट। कहने की जो हम लोग एम्प्लॉय का डेटा रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसी का ये पार्ट है। दोस्तों हम लोगों ने डिलीट की कोडिंग कर ली थी, यहां पर ओके करने पर डिलीट हो जाएगा और कैंसिल करने पर डिलीट नहीं होगा। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके कर दूंगा तो डिलीट हो जाएगा। देखिए डेटा डिलीट हो गया। आज हमें अपडेट की कोडिंग करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपडेट करना है दोस्तों। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप लोग समझ जाओगे कि कैसे अपडेट करना है, क्योंकि इमेज भी आपको प्रोसेस करना है, इसलिए है ना, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा आराम से, और एक एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आराम से सब कुछ साथ में करोगे, ठीक है, टाइम लगने दीजिए दोस्तों। जब तक आप कोडिंग में टाइम नहीं दोगे कुछ सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा पार्ट है इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। आप यहाँ से जाके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से, यानी कि जो प्लेलिस्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट। देखिए इसमें सबसे पहला चैप्टर ये है 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5। एक एक चीज मैंने बताई दोस्तों, एक एक चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले अपने वीएस कोड में और अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है और ब्राउजर में भी मैंने रन कर लिया है। सबसे पहले आपको काम कर यहाँ पर index.js में आ जाइए। देखिए डिलीट की कोडिंग यहाँ पर खत्म हुई थी, यानी कि स्टार्ट हुई थी यहाँ से, और ये होगी डिलीट की कोडिंग। अब हमें यहाँ पर इसी के नीचे स्टार्ट करना है, और कमेंट बात कर दी इस तरीके से स्टार्ट अपडेट कोडिंग। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपडेट कोडिंग मैंने यहाँ पर कमेंट पास कर दिया। दोस्तों आपको कमेंट पास करना जरूरी है, नहीं तो आप फ्यूचर में कोड को ढूंढ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूंगा यहाँ पर, और मैं आल एडिट बीटीएन इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आल एडिट बीटीएन नाम का एक वेरिएबल बनाया, इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऑल एडिट से कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का क्वेरी सेलेक्टर आल का यूज करूंगा, या क्लास नेम का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर आल का यूज करूंगा। और यहाँ पर मैं edit-btn इस वाले क्लास को सेलेक्ट करूंगा। तो ये क्लास है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। अभी ये क्लास हम लोगों ने दिया नहीं है, ये जो क्लास हम लोगों ने यहाँ पर लगाया इसको हमें देना भी पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका बटन बनता है, जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें, यानी कि जो डिलीट वाला था उसमें हम लोगों ने del-btn दिया था, उसी तरीके से जो एडिट वाला है यानी कि आई वाला जो आइकन है उसमें हम लोग क्लास देंगे, सॉरी से यहाँ पर क्लास दे दीजिए जो अभी हम लोगों ने वहां पर लगाया। तो वहां पर हम लोगों ने कौन सी क्लास लगाई, edit-btn है ना। ये देखिए अगर आप console.log की बात करेंगे, यहाँ पर console.log इस तरीके से, और यहाँ पर आप edit-btn को सेलेक्ट करके चेक करना चाहें तो देखिए अभी आपको क्या मिलेगा, कंसोल में आपको रिलोड करेंगे, यहाँ पर कंसोल में स्पेल करूंगा तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा, क्योंकि एक बटन यहाँ पर है नोड लिस्ट, ये देखिए है ना, यानी कि एक बटन यहाँ पर है इसलिए मिल रहा है हमें। यहाँ पर और भी बटन चाहिए तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हमें। मैं यहाँ पर एक ऐड कर लेता हूँ किसी भी नाम से, ठीक है। फिलहाल मैंने इस तरह से ऐड कर लिया, ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ऑफिस कोड एंड जॉब टाइटल, रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए ऐड हो गया। अब हम अगर क्लिक करेंगे कंसोल में जाएंगे और रिलोड करेंगे, यहाँ पर देखिए दो बटन आपको मिल जाएगा, ये देखिए ना दो बटन, ठीक है, यानी कि मल्टीपल बटन सेलेक्ट, आप दोनों में से कहीं पर भी क्लिक करने पर अलर्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आई आपका ग्लोबल बना हुआ है, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फॉर लूप ही चलाऊंगा मैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, कहाँ से चलेगा लूप हमारा, 0 से एंड कहाँ तक जाएगा, यानी कि आई इज लेस देन कहाँ तक जाएगा दोस्तों, edit-btn.length यानी कि जो आल एडिट है उसकी लेंथ तक, ठीक है, इस तरह से मैं जाऊंगा। एंड आई प्लस प्लस यानी कि आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद जो हमारा एडिट है ना, यानी कि ऑल एडिट जो है, ऑल एडिट इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर आई को पास करेंगे, इसमें ऑन क्लिक लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, इस तरह से एक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन यहाँ पर बना लेंगे, फंक्शन इस तरह से बनाया। और इसमें मैं अलर्ट करूंगा, सबसे पहले अलर्ट करके देख लेंगे दोस्तों कि अलर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आके मैंने रिलोड किया इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो गया, देखिए कहीं पर भी मैं क्लिक करूंगा तो अलर्ट हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डेटा निकालना है, यानी कि जितना भी डेटा यहाँ पर है इमेज से लेकर यहाँ तक सारा डेटा निकालना है, यानी कि जिसके रो पे क्लिक हो, सपोज करो इस रो पे क्लिक किया तो इस रो का सारा डेटा निकाल के रखना है। यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले उस रो तक जाएंगे तो एक वेरिएबल बना लेंगे tr नाम का, इस तरीके से मैंने tr नाम का वेरिएबल बनाया। और दिस डॉट पैरेंट एलिमेंट, दिस डॉट अभी ऊपर आप लोगों ने देखा था, दिस डॉट पैरेंट एलिमेंट दो बार यहाँ पर लगाएंगे तो tr निकल के आ जाएगा इसमें, यानी कि tr इसमें आ गया। अब इसके अंदर से हम td को निकालेंगे, यानी जो tr है इसके अंदर से आप td को निकालोगे, आप डायरेक्ट td को नहीं सिलेक्ट कर सकते दोस्तों, यानी कि इसलिए यहाँ पर पास करेंगे जिस पे क्लिक हो रहा है उसी का td आए, है ना। तो एक वेरिएबल बना लेंगे td नाम का, और यहाँ पर tr के अंदर से, यानी जो tr आया उसके अंदर से डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी tr के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर आल का यूज करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर आल का इस तरह से यूज करिए, और यहाँ पर td को निकाल लीजिए, या गेट एलिमेंट बाई टैग नेम का यूज करिए, है ना। यहाँ पर आप गेट एलिमेंट बाई टैग नेम का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम,
इसका भी यूज कर सकते हो, या आप क्वेरी सिलेक्टर आल का भी यूज करके टैग नेम दे दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं टी डी को निकाल लिया, स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं पास करूँ अभी यहाँ पर टी डी स्पेस लिख दूँ, अभी क्या आएगा कंसोल में, जैसे मैं क्लिक करूँगा एडिट पे यानी कि आई के आइकन पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पर कंसोल में जाके देखूंगा तो मुझे एक टी डी मिल रहा होगा, पूरा कलेक्शन मिल रहा है यानी कि टी डी मिल रहा है 0 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से कलेक्शन मिल गया। तो यहाँ पर देखिए जीरो पे क्या है, सबसे पहले समझना होगा आपको, जीरो पे सीरियल नंबर है ये हमें नहीं चाहिए, प्रोफाइल यानी कि वन वाले टी डी से हम लोग प्रोफाइल निकालेंगे, इमेज निकालेंगे और उसका अगला जो टी डी है इसमें ये है, इस तरीके से भी निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो टी आर में इंडेक्सिंग नंबर है उसको भी निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना लूंगा मैं इंडेक्स नाम का इस तरीके से, और जो टी आर है ना, टी आर हम लोगों ने ऊपर निकाला था, इस यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स को दे देंगे अगर आप यहाँ पर, तो ये इसमें इंडेक्स इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा। आप अलर्ट में इस तरह से चेक कर सकते हो यानी कि इंडेक्स में क्या आ रहा है, वो अलर्ट में आप यहाँ पर लिख के इस तरह से चेक कर सकते हो। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट में क्या आया, जीरो, यहाँ क्लिक करूंगा तो वन आ जाएगा, है ना, इस तरीके से ये इंडेक्सिंग नंबर इसका मिल गया। यहाँ पर सबसे पहला काम आपको इमेज निकालना है यानी कि इमेज का जो बाइनरी स्ट्रिंग है उसको निकालना है। तो एक वेरिएबल बना लीजिए प्रोफाइल पिक नाम का, प्रोफाइल पिक इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक है, और यहाँ पर मैं टी आर के अंदर से सबसे पहले तो आई एम जी टैग नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, आई एम जी टैग इस नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। और जो टी सॉरी जो ये वाला टी डी है ना, यहाँ पर अगर आपने इस तरह से लिखा टी डी वन इस तरीके से लिखा और डॉट गेट एट्रीब्यूट टी डी वन सॉरी डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, इसके अंदर से अगर आपने टैग नेम को एक्सेस किया, ठीक है, और इसमें आई एम जी पास कर दिया यानी कि आई एम जी वाला टैग, तो यहाँ पर आई एम जी वाला टैग आ जाएगा। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लीजिए प्रोफाइल पिक नाम का, प्रोफाइल पिक इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पर। और मैं आई एम जी टैग के अंदर से अगर मैं एस आर सी को एक्सेस करूँ यानी कि आई एम जी टैग डॉट एस आर सी को मैं एक्सेस करूँ और अलर्ट में मैं अगर पास करूँ प्रोफाइल पिक को, तो देखना इसमें क्या आएगा, वो डेटा निकल के आएगा जो आई एम जी में सेट होगा। अब मैंने इसको क्यों निकाला है ये आगे समझ में आएगा आपको। ठीक है, रिलोड करूंगा, जैसे क्लिक करूंगा देखिए आई एन जी में जो अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ठीक है, प्रोफाइल पिक मैंने यहाँ पर इस तरीके से पास किया। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक नाम का वेरिएबल ना बनाइए क्योंकि ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टी है प्रोफाइल पिक, यहाँ पर आप क्या करिए प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक कर दीजिए, प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक, और यहाँ पर भी आपको इसी नाम से वेरिएबल बनाना है। कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, रिलोड करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है दोस्तों, तो अनडिफाइंड अगर आ रहा है तो हम लोग देख लेंगे गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। और मैं एक मिनट में आई एम जी को चेक कर लेता हूँ कि क्या ये आई एम जी आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग की बात करूंगा यहाँ पर और आई एम जी को मैं चेक कर लेता हूँ यानी कि जो आई एम जी टैग है इसको मैं चेक करता हूँ क्या इसमें आई एम जी आ रहा है यानी कि इमेज वाला जो टैग है वो आ रहा है। रिलोड करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और कंसोल में जाके देखूंगा, अगर कंसोल में आई एम जी ठीक है, हाँ आई एम जी जी हाँ ठीक है मैं समझ गया कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा था, कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पर कंट्रोल जेड कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपने टैग नेम का यूज किया है ना तो ये एरे मतलब इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जीरो यहाँ पर जीरो पास करना होगा और एस आर सी को एक्सेस करना होगा तभी ये अनडिफाइंड रिटर्न, अब ये अनडिफाइंड रिटर्न नहीं करेगा। रिलोड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको पूरा पूरा इमेज का इनकोडेड स्ट्रिंग मिल गया। ठीक है, इसको ओके करेंगे, बस आपको ये इमेज यहाँ पर रखना है, उसके बाद आपको ये जो है आई डी निकालना है और नेम निकालना है, इस तरीके से सब कुछ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लीजिए आईडी नाम का यहाँ पर, और जो हमारा टी डी है ना टी डी वन ये टी डी वन से हम लोगों ने इमेज को निकाला, टी डी टू से निकालेंगे डॉट ईडर इसके में अगर आपने लिख दिया तरीके, एक मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, अलर्ट में पास करूंगा आईडी को तो देखिए यहाँ पर हमें आईडी मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने रिलोड किया, देखिए रिलोड किया यहाँ पर, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए आईडी यानी कि जो यहाँ पर लिखा गया वो मिल गया। इसी तरीके से हम नेम और इसको सबको निकालेंगे, तो अलग अलग टी डी में सब कुछ है। एक वेरिएबल और बनाएंगे यहाँ पर नेम नाम का, यानी कि नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर टी डी थ्री का यूज करेंगे, यहाँ पर टी डी थ्री का इस तरीके से यूज करेंगे और डॉट इनर स्टेबल बस लगा देंगे तो आपको इनर स्टेबल निकल जाएगा। एक वेरिएबल और बनाएंगे, नेम के बाद क्या है मैं यहाँ से लिखूंगा, नेम है उसके बाद आपका जो है एल नेम है, ईमेल है, ऑफिस कोड है। ठीक है, तो एल नेम एल अंडरस्कोर नेम इसी नाम से वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पर टी डी फोर के अंदर से यानी कि जो टी डी फोर है इसके अंदर अगर आपने इनर स्टेबल लगाया तो आपका एल नेम निकल जाएगा। एक वेरिएबल और बनाएंगे ऑफिस कोड ईमेल नाम का वेरिएबल बनाइए और टी डी फाइव इसका यूज करिए और डॉट इनर एचटीएमएल इसमें भी लगा दीजिए इस तरीके से, तो इसका भी इनर एचटीएमएल निकल जाएगा। एक वेरिएबल और बनाएंगे यहाँ पर ईमेल हो गया और ईमेल के बाद क्या है ऑफिस कोड नाम से वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर टी डी यानी कि टी डी सिक्स के अंदर से अगर आपने यहाँ पर एक्सेस किया सब कुछ तो यहाँ पर डेटा निकल के आ जाएगा। ये देखिए मैंने एक्सेस किया। एक वेरिएबल और बनाऊंगा यहाँ पर मतलब जॉब टाइटल है ना, तो जॉब टाइटल इस नाम से ही वेरिएबल बना दीजिए
और यहाँ पर आपको क्या करना है, टीजी के अंदर से सेवन वाले इंडेक्सिंग नंबर को एक्सेस करना है डॉट इन एचटीएमएल, है ना। बस इतना निकाल, आप लास्ट वाले चेक कर लेते हैं हम लोग कि लास्ट में डेटा आ रहा है, जॉब टाइटल क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जॉब टाइटल में लिख दूंगा, तो देखिए रिलोड करूंगा यहाँ पर आके, और मैंने रिलोड किया, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए जॉब टाइटल जो है जे आर डेवलपर वो मिल गया, यानी कि ये आ गया ये वाला डेटा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 121 है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर आईडी लिख दूँ, वन आईडी यहाँ पर अगर मैं एक्सेस करूँ, रिलोड करूँगा, तो देखिए इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये वाला आईडी आएगा। अगर आपने इस पर क्लिक किया तो 121 आएगा, तो यानी कि जिस पर क्लिक कर रहे हो उसी रो का आएगा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ निकाल लिया, अब क्या करना है आपको, निकालने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है ताकि ये फॉर्म खुल जाए। सबसे पहले क्या करना है, इस पर क्लिक करना है ताकि ये फॉर्म खुल जाए। तो जो हमारा वो बटन है, क्या है बटन का नाम देख लेते हैं, ऊपर ऊपर ही बटन होगा, एड बीटीएन, एड बीटीएन है इसमें नाम। बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर एड बीटीएन पे क्लिक कर देना, तो एड बीटीएन और डॉट क्लिक मेथड इसमें लगा दीजिए, बस इतना ही करना आपको, कुछ नहीं करना। देखिए जैसे अभी आप इस पे क्लिक करोगे ना, देखिए रिलोड किया मैंने, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ, इस पे आप डायरेक्टली क्लिक करवा रहे हो, देखिए ये खुल गया, ठीक है। अब आईडी यहाँ पर और यहाँ पर और इमेज सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे, तो इमेज वहां पर डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर आप लोगों ने इमेज कैसे शो किया था, देखिए आप देख लेंगे वेरिएबल कैसे बनाया है हम लोगों ने। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक अरे आईडी एलिमेंट हो गया ये, और नेम एलिमेंट हो गया इस तरीके से, तो जॉब टाइटल ये देखिए मैं हम लोगों ने सब कुछ सेलेक्ट करके रखा है, और इमेज वाला हम लोगों ने इमेज वाला कहाँ है हमारा, यानी कि जो इमेज वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो आईडी और नेम वगैरह सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, ऊपर से हम लोग आईडी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ क्लिक हम लोगों ने कहाँ करवाया था अभी, अच्छा यहाँ पर क्लिक करवाया था ना, ये इसको रहने दीजिए क्लिक, और आईडी एलिमेंट, आईडी एलिमेंट का यूज करना है इस तरीके से, डॉट वैल्यू का यूज करना है इस तरीके से, और इसमें क्या देना है आपको, आईडी दे देना, आईडी है ना, आईडी दे दीजिए। उसके बाद नेम एलिमेंट का यूज करेंगे, यानी कि नेम एलिमेंट का यूज करना है, वैल्यू का यूज करना है इस तरीके से, और इसमें नेम आपको दे देना है, यानी कि नेम जो आ रहा है इसमें दे देना है। उसके बाद आपको जो है लास्ट नेम एलिमेंट का यूज करना है इस तरीके से, डॉट वैल्यू, आप वैल्यू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो इनपुट फील्ड है इसलिए वैल्यू लगा रहे हैं ना, तो एल अंडरस्कोर नेम को ही दे देंगे। यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर ईमेल नाम का, सॉरी ईमेल एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, ईमेल एलिमेंट को और डॉट वैल्यू इस तरीके से, और यहाँ पर ईमेल एलिमेंट को मैं दे दूंगा, यानी कि ईमेल को दे दूंगा इसको। उसके बाद आपका क्या होगा, ऑफिस कोड, ऑफिस कोड एलिमेंट है शायद, हाँ ठीक है ऑफिस एलिमेंट है, डॉट वैल्यू को एक्सेस करेंगे इसके, और यहाँ पर ऑफिस कोड को दे देंगे, तो ऑफिस कोड क्या है ऊपर वेरिएबल, देखिए ऑफिस कोड नाम से वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफिस कोड हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ऑफिस कोड हो गया और ठीक है ऑफिस कोड, जॉब टाइटल, यानी कि जॉब टाइटल एलिमेंट का यूज करेंगे, डॉट वैल्यू इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग जॉब टाइटल को इसको दे देंगे, यानी कि जो जॉब टाइटल आ रहा है उसको यहाँ पर दे देंगे। तो देखिए सभी एलिमेंट का हम लोगों ने यूज कर लिया, अभी प्रोफाइल पिक नहीं यूज किया हम लोगों ने, अभी मैं यूज करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर रिलोड कर दिया, यहाँ पर मैंने रिलोड, यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए सब कुछ इसी का डेटा निकल के आ जाएगा। थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं अभी दोस्तों, यानी कि इंडेक्स डॉट सी एस एस में आ जाइए, इंडेक्स डॉट सी एस एस में आ जाइए आप लोग, कहाँ इंडेक्स डॉट सी एस एस, यहाँ पर जाऊँगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं जो इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड हमारा अच्छा नीचे होगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं। देखिए ये इनपुट फील्ड है हमारा, कहाँ ये इनपुट फील्ड है, इसमें थोड़ा फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा देते हैं, तो फॉन्ट साइज यूज करूंगा 18 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका बढ़ जाए, बस और कुछ नहीं। रिलोड करूंगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए हाँ ठीक है, अब फॉन्ट साइज बढ़ गया, सभी को दिख रहा होगा, सब कुछ सही है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्लिक करने पर जिसका क्लिक करेंगे उसी का डेटा आएगा, ये देखिए ना यहाँ पर उसका डेटा निकल गया, तो यहाँ पर क्लिक करें तो डेटा निकल रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करने पर ये रजिस्टर वाले जो बीटीएन है इसमें डिसेबल लगाएंगे और इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो क्लिक करते ही आपको ये काम करना है, तो यहाँ पर आ जाइए इंडेक्स डॉट जेएस में, तो जो रजिस्ट्रेशन वाला बीटीएन है वो देखिए उसमें क्या आईडी है, किस कैसे आपने सेलेक्ट किया, देखिए रजिस्टर बीटीएन यहाँ पर है, और यहाँ पर रजिस्टर बीटीएन को सिलेक्ट करें और यहाँ पर कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, और एक बार और कंट्रोल भी कर दीजिए यहाँ पर, और इसको अपडेट बीटीएन कर दीजिए, रजिस्टर और अपडेट दोनों को ही सिलेक्ट करना है आपको, अपडेट बीटीएन यहाँ पर हम लोग अपडेट बीटीएन कर देते हैं, ठीक है। अपडेट बीटीएन अभी मैंने आईडी नहीं दी है, लेकिन हम लोग दे देते हैं यानी कि आईडी, तो अपडेट बीटीएन मैंने यहाँ पर आईडी दे दी और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके। देखिए अपडेट की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, तो अपडेट यहाँ पर इससे लिख दी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए जो दोनों बटन है आपका वो कहाँ पर बन रहा है, एक तो ये हो गया, यहाँ पर देखिए दोनों बटन है, एक तो ये एड बीटीएन वाला हो गया और यहाँ पर आईडी दे देंगे अपडेट बीटीएन, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाइए, नीचे आ जाइए, देखिए रजिस्टर बीटीएन जो हमारा रजिस्टर वाला बीटीएन है, ठीक है, जो रजिस्टर यहाँ पर देखिए एड बीटीएन नहीं, ठीक है ये हमारा नहीं है दोस्तों, इसमें आईडी नहीं देंगे, कंट्रोल एक्स करिए इसको, यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला बीटीएन है वो फॉर्म के अंदर होगा ना, यानी कि दोनों बटन होगा यहाँ पर, देखिए एक डिसेबल्ड है
ये रजिस्टर कराल भी नहीं, यहाँ पर आईडी देंगे, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल भी करिए, ठीक है, ये हो गया आईडी। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बीटीएन को सबसे पहले इनेबल डिसेबल करेंगे, तो नीचे आ जाइए, क्लिक हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन बीटीएन को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन बीटीएन है उसको सेलेक्ट करके डॉट डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, यहाँ पर डिसेबल्ड इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, उसको ट्रू कर देना है, ठीक है, ये डिसेबल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अपडेट वाला बीटीएन है, अपडेट बीटीएन डॉट डिसेबल्ड, इसका डिसेबल क्या कर देना, आपको फॉल्स कर देना है, डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। अब क्या होगा, जो हमारा अभी तक अपडेट वाला फॉल्स हो रहा था, ठीक है, रिलोड करूंगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला हमारा, यानी कि इस पर क्लिक नहीं होगा, इस पर सिर्फ क्लिक होगा। अगर आपने यहाँ से क्लिक किया तो इस पर नहीं क्लिक होगा, सिर्फ इस पर क्लिक होगा, ये देखिए, है ना, इस तरीके से आपने काम कर लिया। और यहाँ पर अभी हमें इमेज को भी शो करना है, तो इमेज वाला जो एलिमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है, तो शायद ये हमारा प्रोफाइल पिक वाला ये है दोनों, तो इन दोनों वेरिएबल को भी ऊपर रख दीजिए दोस्तों, यानी कि जो दोनों वेरिएबल यहाँ पर है इसको भी ऊपर ही रख दीजिए कहीं ग्लोबल तरीके से। तो देखिए आपके पास ग्लोबल नाम का वेरिएबल है यहाँ पर, ये देखिए, है ना, स्टार्ट ग्लोबल वेरिएबल, यहीं पर रख दीजिए इसको, ताकि यहाँ से आप लोग प्रोसेस कर सको। तो इमेज प्रोफाइल पिक वाले को एक्सेस करेंगे यहाँ से, और इसमें जो है हम लोग इमेज को डाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोफाइल पिक वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, डॉट डॉट SRC, इसका SRC एक्सेस करना है, और इसके SRC में क्या सेट करेंगे हम लोग, यही जो प्रोफाइल पिक आ रहा है इसको सेट कर देंगे। तो प्रोफाइल पिक आपका कहाँ पर आ रहा है देख लेंगे, ये है ना, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी करके, सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे, देखिए ये जो हमारा प्रोफाइल पिक, इसको मैं प्रोफाइल अंडरस्कोर पिक कर देता हूँ दोस्तों, यानी कि कैपिटल पिक। अब यहाँ पर प्रोफाइल पिक हम क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो प्रोफाइल पिक नाम से बन रहा है, इसका SRC मैंने यूज किया, और यहाँ पर प्रोफाइल पिक यानी कि जो अभी हमने चेंज किया वेरिएबल नेम, इसको मैंने एक्सेस कर लिया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना। देखिए अब जब भी क्लिक करेंगे तो इसके साथ साथ इमेज भी यहाँ पर निकल के जाएगा, ये देखिए क्लिक किया तो यहाँ पर इमेज नहीं आया, इसमें इमेज नहीं था इसलिए इमेज नहीं गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इमेज आ जाएगी, यानी कि ये वाला इमेज आ गया, ठीक है। अगर जिस पर इमेज नहीं होगा, यानी कि जो जैसा इमेज होगा वैसे ही जाएगा, देखिए ये वाला इमेज है तो ये वाला इमेज गया, अगर यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इमेज जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका डेटा फिर से निकालना पड़ेगा, यानी कि इन सभी एलिमेंट का डेटा निकालना है, और अपडेट पे क्लिक करते ही लोकल स्टोरेज में अपडेट कर देना, कहाँ पे अपडेट करना है, जहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले तो यहाँ पर इस पे क्लिक किया, और अपडेट पे क्लिक करते ही हम अपडेट पे क्लिक करते ही अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे अपडेट वाले बटन पे ऑन क्लिक लगाएं, तो अपडेट बीटीएन जो है हमारा, अपडेट बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, इसमें एक ऑनोमस फंक्शन स्पेसिफिक, इसी तरीके से अपडेट होता है दोस्तों, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, आप अपडेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो, आपके पास एक और तरीका है, इनलाइन भी अपडेट कर सकते हो, यानी कि इनलाइन का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप लोग अपडेट कर सकते हो यहाँ पर इनलाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, अभी मैंने अलर्ट लगाया कि नहीं, अलर्ट लगा दिया, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट हो गया। अब अलर्ट हो गया तो फॉर्म हमारा सबमिट हो गया, ये देखिए रजिस्ट्रेशन बीटीएन हमारा सबमिट हो गया, और यहाँ पर एक डेटा रजिस्टर हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, फॉर्म में ऑन सबमिट लगा दिया डायरेक्ट, यानी कि जो फॉर्म है उसमें ऑन सबमिट पे हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर आप ऑन सबमिट पे ना कॉल करके क्या करिए, रजिस्ट्रेशन बीटीएन पे क्लिक लगाइए, ये जो रजिस्ट्रेशन बीटीएन है इस पर क्लिक लगाइए दोस्तों, क्योंकि दोनों बटन एक ही उसके अंदर है। तो या तो आप क्या करिए, इस बटन को फॉर्म के बाहर करिए, यानी कि इस बटन को आपको फॉर्म के बाहर करना पड़ेगा, ये जो बटन है ना इसको फॉर्म के बाहर, तो दोनों बटन को ही अगर आप फॉर्म के बाहर रख देंगे, यानी कि ये दोनों बटन है जो, अगर आपने, ठीक है, इसको फॉर्म के बाहर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रजिस्ट्रेशन बीटीएन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बीटीएन, ठीक है, फिलहाल इस तरीके से यूज करिए, मैं आगे आपको बताऊंगा फिलहाल इस तरीके से रजिस्ट्रेशन बीटीएन, और यहाँ पर ऑन क्लिक लगाइए, ठीक है, ऑन क्लिक लगा दीजिए, ठीक है। अब रिलोड करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा तभी एम्प्टी डेटा जा रहा है। अब एम्प्टी डेटा नहीं जाना चाहिए, इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे आगे। फिलहाल मैं यहाँ से अगर क्लिक करता हूँ, यानी कि ओके करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्लिक किया, ये आया, अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए सिर्फ ये आएगा और रिटर्न हो जाएगा। देखिए नया डेटा नहीं इंसर्ट होगा, देखिए दो डेटा है, अगर इस पर क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ओके करूंगा तो रिलोड हो जाएगा, बस नया डेटा नहीं इंसर्ट होगा। क्यों नया डेटा इंसर्ट हो रहा था, क्योंकि फॉर्म ऑन सबमिट हो रहा था, अगर आपने दोनों बटन में से कहीं पर भी क्लिक कर दिया और ऑन सबमिट लगा हो तो दोनों बटन एक ही बार कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग उसको चेंज करेंगे, यहाँ पर अगर एम्प्टी डेटा जा रहा है तो एम्प्टी डेटा नहीं जाना चाहिए, इसको हम लोग कंडीशन से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पर क्लिक, ये देखिए इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी ई को रिसीव करेंगे, यानी कि इवेंट को रिसीव करेंगे और प्रीवेंट डिफॉल्ट, ताकि पेज हमारा रीलोड ना हो, तो ई डॉट स्पेसिफाई करेंगे प्रीवेंट डिफॉल्ट यहाँ पर भी लगा देंगे। तो अब क्या हो रहा, जो हमारा पेज रीलोड हो जा रहा था वो अब रीलोड नहीं होगा, सिर्फ अलर्ट आएगा, ये देखिए क्लिक किया, ओके, अपडेट पे क्लिक करूँ तो ओके कर दूंगा तो अब रीलोड नहीं होगा, ये देखिए ना, अभी तक क्या होता है, रीलोड हो जा रहा था, ठीक है।
अब हमें इसका डेटा निकालना है, यानी कि सब डेटा निकाल लेना है इस तरीके से, जितना भी डेटा है यहाँ पर इस तरीके से निकालना है और आगे का काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट डेटा यहाँ पर निकालता हूँ, यानी कि मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एरे है ना उसको एक्सेस करता हूँ। ये जो एरे हमारा कौन सा एरे है, सॉरी यहाँ पर यूजर डेटा इस नाम से एरे है, देखिए यूजर डेटा नाम का एरे है हमारे पास, उसी में अपडेट करना है ना। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आ जाइए, इस पर क्लिक करते हैं, यूजर डेटा को एक्सेस कर लीजिए, और इसमें आपको इंडेक्सिंग नंबर पास करना है। इंडेक्स को अगर आपने पास कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंडेक्सिंग नंबर हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था इंडेक्स, इसमें अगर जीरो आएगा तो जीरो वाला को अपडेट करेगा इक्वल टू इंडेक्स से, और जेएसएन के फॉर्मेट में इसको अपडेट कर दीजिए। तो सबसे पहले जो ये जो इसी कोड को कॉपी करिए, यहाँ पर जो जो चीजें लिखी हुई है ना इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर लाके कंट्रोल भी कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है, देखिए कंट्रोल भी कर देंगे, बस सेम आपका सब कुछ हो जाएगा, देखिए है ना। यहाँ पर आपको बस इतना करना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं कंपेयर करना है, यानी कि यहाँ पर आपको इमेज वायरल से नहीं कंपेयर करना है, आपको किससे कंपेयर करना है, जो अपलोड वाला बटन है यहाँ पर, आपको अपलोड वाला बीटीएन, यानी कि अपलोड बीटीएन से यहाँ पर अपलोड पिक जो है हमारा उसको यहाँ पर, और इसको एम्प्टी से कंपेयर करना है। अगर ये एम्प्टी है यहाँ पर, अगर ये एम्प्टी के बराबर है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पर जो इमेज की URL होगी, सॉरी जो हमारा इमेज होगा उसी को भेजेंगे। तो जो जो हमारा प्रोफाइल पिक है, ये देखिए यहाँ पर अगर आपने प्रोफाइल पिक लिख दिया, यहाँ पर अगर आपने प्रोफाइल पिक लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यही वाला रिटर्न चला जाएगा, जो कि अभी आ रहा था वही चला जाएगा, अगर किसी ने अपलोड नहीं किया तो। अगर किसी ने अपलोड कर दिया तो इमेज URL जाएगा, ठीक है। इतना आपको हो सकता है डेफिनेटली दिक्कत आया, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर आ जाऊंगा। और इसके बाद लोकल स्टोरेज को भी अपडेट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लोकल स्टोरेज को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो लोकल स्टोरेज सॉरी कंट्रोल जेड करूंगा। यहाँ पर आप लोग को दिक्कत जरूर आया होगा दोस्तों, आप लोग पूछेंगे हमसे, जरूर पूछिए, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज करिए, मैं आपको समझा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। यूजर डेटा नाम का की बनता है, ऐसे की बना देंगे और कॉमा लगा के जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर अपडेट कर देंगे, यानी कि किसको, यूजर डेटा, ठीक है। तो यूजर डेटा दोबारा इसमें की बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे। इस तरीके से मैंने रिलोड किया, देखिए यहाँ पर मैंने रिलोड किया, और इसको मैं अपडेट करता हूँ सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर ये इसका आईडी नंबर मैं चेंज कर देता हूँ, 6393 कर देता हूँ, और नाम जो है इसका आलोक कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इमेज भी अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, जो टेस्टिंग वाला फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास इमेज पड़ा हुआ है, तो इमेजेज में जाऊँगा। यहाँ पर बहुत सारे इमेज है, मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ओपन कर दूंगा और अपडेट पर क्लिक करूँगा। तो देखिए इमेज हमारा अपडेट हो गया, ये देखिए है ना, एट अ टाइम अपडेट हो गया सब कुछ, ये देखिए देखिए कितनी आसानी से अपडेट कर लिया हम लोगों ने, रिलोड करके तो ये अपडेटेड रहेगा, ये देखिए। अब यहाँ से अगर आपने देखिए, अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से आपने इमेज को अपडेट नहीं किया तो क्या जाएगा उसमें, इसका मैं आईडी चेंज कर देता हूँ, 123 कर देता हूँ, सहारा की जगह सहारा कर देता हूँ, है ना, सहारा नहीं करूंगा, यहाँ पर श्रद्धा कर देता हूँ, श्रद्धा इस तरीके से मैंने कर दिया श्रद्धा, ठीक है। और यहाँ पर मैं श्रद्धा गुप्ता कर देता हूँ, यहाँ पर गुप्ता और सारा, ठीक है, सब कुछ बाकी ऐसे अपडेट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए इनका डेटा अपडेट हुआ, लेकिन इमेज क्यों नहीं, यहाँ पर इमेज को देखना पड़ेगा दोस्तों हमें। यहाँ पर देखिए इमेज हमारा एम्प्टी हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हमें इमेज को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अपलोड पिक में इक्वल टू नल के बराबर है तो प्रोफाइल पिक जाएगा यहाँ पर, नहीं प्रोफाइल पिक क्यों जाएगा भाई, हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो जो हमारा यहाँ पर प्रोफाइल पिक नहीं भेजेंगे हम लोग, प्रोफाइल पिक नहीं भेजेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग जो हमारा एस आर सी है ना इसका निकालेंगे, यानी कि जो प्रोफाइल इसी को निकाल देंगे। अगर आप कंट्रोल सी करिए, है ना, यहाँ पर अगर आपने क्या किया, इसको निकाल लिया, कंट्रोल जेड करिए, ठीक है। देखिए प्रोफाइल पिक यहाँ पर हम लोग इसकी एस आर सी को निकाल के इसमें रख देंगे, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दीजिए बस, ठीक है। इतना अगर हम चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा और इसको अपडेट कर देता हूँ, यहाँ से ओपन करूँगा, अपडेट पे क्लिक करूँ तो देखिए अपडेट हो गया। लेकिन अगर फिर से मैं जाऊँ और बिना अपडेट के यहाँ पर सिर्फ मैं चेंजेस करूँ और अपडेट करूँ तो देखिए फिर से यहाँ पर इमेज नहीं आ रहा है। तो इमेज अगर क्यों नहीं आ रहा है, इमेज अपलोड पिक क्या है यहाँ पर, अगर अपलोड पिक इक्वल टू एम्प्टी, अपलोड पिक में कब जाएगा, ठीक है, अच्छा यहाँ पर वैल्यू नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यू जरूर लगाएंगे, नहीं तो ये सही से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये इनपुट फील्ड डायरेक्ट सेलेक्ट हो रहा था, वैल्यू लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं गया फिर से और मैं इमेज को अपडेट कर देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर लगा दूंगा, ओपन करूंगा, अपडेट हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अगर आपने बिना इमेज चेंज किए, यहाँ पर ये सिर्फ आईडी चेंज कर दी, 123 कर दी और अपडेट कर दिया, तो देखिए अब हमारा इमेज नहीं चेंज होगा, ये देखिए ना,
क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू है, इनपुट फील्ड है ना, इसलिए ठीक है। अगर आपने इमेज को चेंज किया यहाँ से, यानी कि फिर से जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इमेज हो गया। इसको अगर आपने यहाँ से चेंज कर दिया, ओपन कर दिया यहाँ से, और इसको अभी आपने अगर आप 6393 कर देते हैं, श्रद्धा गुप्ता, ठीक है, सब कुछ अपडेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये अपडेट हो गया और इमेज भी अपडेट हो गई है ना, इमेज भी अपडेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर आप लोग को डेफिनेटली दिक्कत हुआ होगा दोस्तों थोड़ा बहुत, तो आप लोग को बस परेशान नहीं होना है, काम करना है, ठीक है। देखिए अब एक और चीज कर देते हैं, यहाँ पर रिलोड, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, देखिए यहाँ पर मैं अगर कट कर देता हूँ, ठीक है, कट कर दिया और यहाँ पर क्लिक करूँ तो वही डेटा हमें दिख जाएगा जो पुराना डेटा था, ठीक है। तो यहाँ पर कट करने के बाद हमें जो कट करने के बाद इनपुट फील्ड की एम्प्टी, यानी कि जो जितना भी इनपुट फील्ड है इसमें सब कुछ एम्प्टी कर देना है। तो यहाँ पर आ जाइए, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए, जितना भी इनपुट फील्ड है उसको एम्प्टी कहाँ पर करेंगे, जब हमारा क्लोज होता है, यानी कि जो हमारा क्लोज होता है उस पर, ठीक है। तो जब क्लोज पे क्लिक हो रहा है, देखिए क्लोज बीटीएन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, क्लोज बीटीएन कहाँ है, क्लोज बीटीएन हमारा ये जो वेरिएबल है, क्लोज बीटीएन ऑन क्लिक, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा उस पर क्लोज होने की कोडिंग, तो ऊपर में है शायद, ये देखिए क्लोज बीटीएन यहाँ पर है। तो जब भी इस पर क्लिक होगा हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इनपुट फील्ड है सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए साइनअप वाला फॉर्म है ना, इसको ऊपर कर दीजिए, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आपको, ठीक है, तो साइनअप वाले फॉर्म इसको या तो नीचे कर लीजिए, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से इसके अंदर से आपको, मैं लूप के थ्रू सब कुछ एम्प्टी करना चाहता हूँ इसलिए, बस और कुछ नहीं। तो इस फॉर्म को मैं ऊपर कर देता हूँ और इस फॉर्म के अंदर से मैं ऑल इनपुट नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, ऑल इनपुट नाम का एक वेरिएबल मैंने ऑल इनपुट इस नाम से वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर मैं फॉर्म के अंदर जाऊंगा, यानी कि जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसके अंदर जाऊंगा, डॉक्यूमेंट सॉरी मैं डॉट, यहाँ पर क्वेरी सेलेक्टर का आल, क्वेरी सेलेक्टर आल का यूज कर लीजिए, और यहाँ पर इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए सभी इनपुट को इस तरीके से, और लूप चला के एक ही बार में सबको एम्प्टी कर दीजिए। तो जब मॉडल पे क्लिक हो, यानी क्लोज वाले बटन पे क्लिक होगा तब, तो और एक लूप चलाएंगे तो एक वेरिएबल भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पर आई नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर फॉर आई इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पर लूप चला देंगे ताकि जो है एक बार में ही सब कुछ एम्प्टी हो जाए। तो आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, कहाँ तक लूप जाएगा दोस्तों, आई इज लेस देन हमारा ऑल इनपुट डॉट लेंथ, ऑल इनपुट डॉट लेंथ, इस तरीके से भी मैं आपको बता रहा हूँ, और एक एक करके भी आप यहाँ पर, अगर आप एक एक करके मतलब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई ऑल इनपुट डॉट लेंथ, और यहाँ पर आई प्लस प्लस, इस तरीके से आई प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ऑल इनपुट का इस तरीके से यूज करिए, और इसको आई यहाँ पर दे दीजिए डॉट वैल्यू उसका, इससे वैल्यू प्रॉपर्टी का, और एम्प्टी कर दीजिए बस। देखिए जब भी क्लोज पे क्लिक होगा अब ये भी एम्प्टी हो जाएगा, कहीं से भी क्लिक हो, यहाँ पर गया इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एम्प्टी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए क्लोज पे क्लिक करेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा सब कुछ, ये देखिए यहाँ पर आप नहीं आएगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर क्लिक करने के बाद, अगर किसी ने कट कर दिया तो एम्प्टी हो जाएगा, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैं क्या कह, मैं समझाना क्या चाह रहा था, ये देखिए मैं इसको कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं ये कह रहा था देखिए जैसे यहाँ पर किसी ने क्लिक किया तो ये डेटा आ गया, अब मान लो अपडेट नहीं किया उसने, डायरेक्ट यहाँ पर मतलब क्लिक कर दिया, यानी कि यहाँ पर आप उसने क्लोज कर दिया, ठीक है, और एम्प्लॉय पर अगर उसने क्लिक किया तो ये देखिए हमारा वही डेटा फिर से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्लोज करने पे ये डेटा खाली होना चाहिए, और एक चीज प्रॉब्लम समझिए, यहाँ पर मैंने रिलोड कर दिया, अपडेट पे क्लिक किया और सपोज करो उसने अपडेट पे भी क्लिक कर दिया, यहाँ से उसने कुछ भी यहाँ से 5, 6 और 4, 6 अपडेट कर दिया, देखिए फॉर्म तो क्लोज हो गया हमारा और यहाँ पर डेटा भी अपडेट हो गया, लेकिन अगर किसी ने एड एम्प्लॉय पे फिर से क्लिक किया तो देखिए हमारा डेटा आ जाता, अगर यहाँ से यहाँ पर हम लोग ये कोड ना करते, ठीक है, यहाँ पर देखिए अपडेट तो हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट हो गया। इसको हम लोग कब करेंगे, जब यहाँ पर कोई भी कट नहीं करे, यहाँ पर क्लिक किया और कट कर दिया तो देखिए अब यहाँ पर अपडेट डेटा आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी ने क्लोज पे क्लिक किया है तो इसको भी हम लोग एम्प्टी कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखिए अब क्लिक करूंगा, क्लोज करूंगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए अपडेट हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डेटा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट काम हम लोग सर्च का करना है दोस्तों, यानी कि सर्च का करना है। हम लोग यहाँ पे आईडी डालेंगे एम्प्लॉय का, हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ अगर एम्प्लॉय रहेंगे तो आईडी डालने पे उनका एम्प्लॉय मतलब रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूरा डेटा उनका आ जाना चाहिए यहाँ पर आईडी डालने से। तो सर्च की जो फैसिलिटी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। आप लोग कमेंट करना ना भूले दोस्तों, कमेंट करिए आप लोग, अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, सी यू सून।